भारत माता की, भारत माता की। हम गोगरा देवी का चरण वंदन करते हैं, अपना पंचने का प्रणाम करते हैं। सबन भाई बहनी का नमस्कार। आप सभी विंध्य के अलग अलग हिस्से से भाजपा को आशीर्वाद देने सीधी पहुंचे हैं। इतनी बड़ी संख्या में जनता जनार्दन के एक साथ दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है, मैं वाकई अभिभूत हूं। और जहां तक मेरी नजर पहुंचे, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें, आपके आशीर्वाद हम सबकी बहुत बड़ी शक्ति है। मैं माताओं बहनों को इस विशाल संख्या में आने के लिए विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। आपके इस प्यार, इस उत्साह से साफ है कि एमपी में फिर एक बार। साथियों, आज यहां के लोग कह रहे हैं एमपी के मन में और मोदी के मन में ईश्वर रूपी जनता जनार्दन, आप लोग मोदी के मन में है, मोदी के दिल में है। एमपी के मन में मोदी क्यों है भाई, भाजपा क्यों है, ये कोई रहस्य की बात नहीं रह गई है। कांग्रेस ने केंद्र में हमारे सेवा काल शुरू हुआ उसके पहले 10 साल तक जो सरकार चलाई, उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का ही काम किया था। लेकिन आपके सेवक मोदी ने करीब 10 साल जो सरकार चलाई है, आपकी सेवा में 10 साल पूरे लगन से समर्पित किए हैं, उसमें घोटाले बंद हुए हैं, गरीब और मिडिल क्लास की बचत हुई है, उन्हें अधिक सुविधा मिली है। आप देखिए, टेलीकॉम घोटाला करके, कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए, याद है ना, भूल गए? आप बताओगे तो पता चलेगा मुझे, याद है लूटते थे कि नहीं लूटते थे, करोड़ों रुपए लूटते थे कि नहीं लूटते थे? यह आपका हक का पैसा था कि नहीं था? आपकी मेहनत का पैसा था कि नहीं था? आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो पैसा था कि नहीं था? लूट लिया। भाजपा सरकार में वो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हो चुके हैं, और घोटालों से हम जो पैसा बचा रहे हैं, वो पैसा गरीब के हित में,
मध्यम वर्ग के हित में लगा रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में अब तक केंद्र सरकार 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। आप आंकड़ा बोलोगे? मैं पूछूं तो आंकड़ा बोलोगे? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप आंकड़ा बोलोगे? मैंने कहा 2,00,000 करोड़ रुपए। कितने कितने जरा माताएं बहनें बताइए, कितने कितने? 2,00,000 करोड़ रुपए। इससे 80 करोड़ देशवासियों को कोरोना के संकट काल से लेकर के अब तक मुफ्त राशन सुनिश्चित हुआ। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहा, ये मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से मैंने निश्चय लिया है, मन बना लिया है, क्योंकि ये योजना मुफ्त राशन वाली दिसंबर महीने तक ही है, लेकिन मोदी तो आपके दिल की बात जानता है। और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना को आने वाले 5 साल के लिए बढ़ाने का निश्चय कर लिया है। अगर हम एक परिवार में 4-5 लोग भी मान लें तो ऐसे हर परिवार को मुफ्त राशन योजना की वजह से हर महीने 700-800-900 रुपया बचने वाले हैं। साथियों, गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, गरीब के लिए खर्च हो, और कोई बिचौलिया बीच में वो पैसे लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। अब आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी ने 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज की गारंटी कार्ड दिया है। अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों को बीमारी में